नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं परफेक्ट पल्स। हाजिर हूँ आपके सामने आज इरेडा के शेयर को कवरेज करने के लिए। बात कर लेते हैं इरेडा के शेयर की। तो इरेडा के शेयर जो है पिछले काफ़ी टाइम से ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जब लिस्टेड हुआ था 29 नवंबर 2023 में, तो उसके बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। जो इसका वीकली जो हाई गया था वो 310 रुपये गया था, जो कि अब चल रहा है वो 228 रुपये पर। ये फ्राइडे में बंद हुआ है, यानी कि 27% का आप इसमें कह सकते हैं कि अभी 27% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ एक फ्रेश एंट्री बन सकती है, और अगर बन सकती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए रह सकती है, या जिन्होंने इस शेयर को परचेज कर रखा है तो वो होल्ड करें या सेल कर दें, तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे बिना देर लगाए हुए। तो बात करें अगर शेयर में, तो देखिए अभी 27% की गिरावट पर मिल रहा है, और अगर इसका वन डे का लॉस देखें तो देखिए वो 3% का लॉस चल रहा है। वहीं 5 दिन की बात करें तो 5 दिन का लॉस चल रहा है वो 4% का, और वहीं 1 मंथ का लॉस देखें तो 8% का, और वहीं 6 मंथ्स का लॉस देखें वो सॉरी प्रॉफिट देखें तो मात्र घटकर अब 54% रह चुका है, और वहीं अगर 1 ईयर की बात कर लें तो 1 ईयर का प्रॉफिट भी घटकर अब मात्र 280% रह चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखिए सपोर्ट लेवल जो इसमें लिया हुआ है वो 225 के जो है वो उसने सपोर्ट लेवल ले रखा है। अगर इसमें जो देखिए अभी 29 अगस्त को इसकी एक बोर्ड मीटिंग भी हुई, उस पर भी कोई ऐसा असर इसमें खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई ऐसी भी अपडेट नहीं थी खास जो उस शेयर पर इम्पैक्ट डाल सके। तो उसमें उसके बाद भी शेयर में गिरावट लगातार बनी हुई है। अगर ये इसका सपोर्ट लेवल 225 को भी तोड़ता है तो आपको नया लेवल यहाँ सपोर्ट लेवल मिल सकता है, वो मिल सकता है 190 से लेके 200 के आसपास का ये सपोर्ट लेवल आपको मिल सकता है। तो यहाँ अगर कही जाए तो यहाँ 190-200 के आसपास के अगर कहीं मिलता है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक ये फ्रेश एंट्री बन सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बन सकती है क्योंकि इरेडा की जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और बात करें अगर इसकी ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक में अगर देखें तो इसका मैनेजमेंट बताता है इसके पास ऑर्डर बहुत सारे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए एक अच्छी इसके लिए एक ग्रोथ बता सकते हैं। और अगर कोई किसी ने ये शेयर परचेज कर रखा है, तो अगर परचेज कर रखा है, अगर देखिए शेयर मार्केट में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर किसी पे पेशेंस है तभी वो शेयर मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसी अभी खास वजह तो नहीं दिख रही इसको शेयर में उठते हुए, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इस शेयर को ले रखा है, होल्ड कर रखा है, तो वो कम से कम 1 साल तक का तो होल्ड इसमें आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल तक का होल्ड रख कर चल सकते हैं आपको अपने लॉस को कवर करने के लिए। और वहीं अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश एंट्री कहाँ बन सकती है। और अगर किसी के जिन्होंने परचेस कर रखा है वो पेशेंस नहीं है उनके अंदर, तो वो इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी बढ़ता हुआ शेयर अभी ये रेडा नज़र नहीं आ रहा जिस हिसाब से ये चर्चा में है। और वहीं अगर इसकी बात करें, देखिए ऑर्डर बुक के अगर आप डीपली किसी शेयर में एनालाइज करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ को खुद ही अब एनालाइज करना सीख जाएंगे। तो आप शेयर को कभी डीपली पढ़िए, इरेडा के क्या पास क्या ऑर्डर बुक है क्या है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो हमने सारी चीज़ें आपको अभी बताई। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए अभी जो इसका RSI चल रहा है ना, वो RSI इसका चल रहा है अभी 37। तो 37 जो होता है RSI, वो एक मिड वैल्यू है, मिड रेंज है। मतलब अगर ये रेंज अगर ये 30 से नीचे जाती है, अभी तो फिलहाल 37 से बनी हुई है, अगर ये 30 से नीचे जाती है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये ओवर सोल्ड माना जाएगा। मगर अभी ये 37 पे बनी हुई है, तो कब इसको आप फ्रेश एंट्री बन सकती है, कब नहीं बन सकती, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई। तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है। मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ, कभी हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं कि आप शेयर कोई भी शेयर सेल करें या परचेज करें। तो ये आप कोई भी शेयर आप सेल करें या परचेज करें तो अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले ज़रूर लें, तभी किसी शेयर में निवेश करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको इरेडा में आगे लेकर क्या लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।